मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में पत्रकारों के ऊपर पुलिस के द्वारा फर्जी प्रकरण कायम करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कुछ दिन पहले सीधी और रीवा जिले में पुलिस के द्वारा पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, सीधी जिले में तो अर्धनग्न करके हवालात में पत्रकार को बंद भी किया गया था, जो कि मामला काफी सुर्खियों में भी रहा। लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा कोई ठोस कानून न बनाने के कारण पुलिस मनमानी पर उतारू है। अभी हाल में ही रीवा जिले की डभौरा पुलिस के द्वारा पत्रकार आशीष पाटकर तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता राजू दुबे के ऊपर 107 एवं 116 का प्रकरण कायम करके जवा तहसीलदार के न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत कर दिया गया है। इस मामले में आशीष पाटकर जहां पार्टी नंबर एक है, तो वहीं राजू दुबे दी पार्टी नंबर दो। आशीष पाटकर के द्वारा बताया गया कि उनका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, न ही कभी भी उन्होंने शांति भंग करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि भारत के संविधान को सर्वोपरि मानकर वो पत्रकारिता करते हैं। जून महीने में डभौरा पुलिस के द्वारा एक आदिवासी महिला से लिए गए रिश्वत की खबर आदिवासी महिला के ही बताए अनुसार चैनल में चलाई गई थी, जिस कारण डभौरा पुलिस के द्वारा उन पर फर्जी प्रकरण कायम करने की धमकी दी गई थी। इसकी शिकायत डीआईजी संभाग रीवा तथा पुलिस अधीक्षक रीवा से भी की गई है। फिर भी पुलिस के द्वारा मुंह बंद करने के लिए 107, 116 का प्रकरण कायम करके चरित्र बिगाड़ने का कार्य किया गया है। पाटकर ने कहा कि पुलिस के इस कृत्य से वो व्यथित है। पुलिस अधीक्षक रीवा तथा डीआईजी रीवा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दर्ज फर्जी प्रकरण को समाप्त करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। पिछले माह डभौरा पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चैनल पर खबर छापी गई थी, जिसके बाद मुझे डभौरा पुलिस द्वारा धमकियां दी गई कि मैं फर्जी केस में फंसा दूंगा। उसके बाद इसकी शिकायत मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक रीवा एवं डीआईजी साहब रीवा से किया, जिसकी जांच चल रही है। उसके बाद 22 जुलाई को मेरे ऊपर 107-16 का फर्जी मुकदमा कायम किया गया। मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए।